हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मीशो पे सबसे बेहतरीन तरीके की हम लोग लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये जो वीडियो बनने वाली है तीन पार्ट्स में होने वाली है, जहाँ पे मैं अलग अलग टाइप की तीन वीडियोस बनाऊंगा, जहाँ हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप होता है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, टाइप वन होता है सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को ही लिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं सिंपल कहूँ ईयरफोन्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी के सेलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हो सकता है आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन भी हो सकता है आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं हो। वेरिएशन का मतलब होता है जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के कई सारे कह सकते हो कि कई सारे वेरिएंट्स हों। जैसे ये ईयरफोन है, ठीक है, ये वाइट कलर का है, अगर ये कोई और तरीके का होता है जैसे ब्लैक कलर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएंट्स देख सकते हैं। जैसे ब्लैक होता, ब्लू होता, रेड होता, और भी जो भी हो सकते हैं वो होते हैं, ये होता है वेरिएशन। ठीक है, यहाँ जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो टाइप वन की बात करेंगे, यानी सिंगल प्रोडक्ट आप कैसे लिस्ट कर सकते हो। मतलब सिंपली इसका मतलब ये हुआ, वो प्रोडक्ट जिसका कोई भी वेरिएशन नहीं हो। ठीक है, टाइप टू है हमारा प्रोडक्ट विद वेरिएशन, चाहे वो साइज का हो या कलर का हो। ठीक है, टाइप थ्री की जो वीडियो होगी वो होगी प्रोडक्ट विद वेरिएशन साइज एंड कलर वाइज। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें साइज और कलर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके शर्ट्स हुई, कोई भी फैशन कैटेगरी हो, उसमें ये आपका दोनों चीज़ चलती हैं। ठीक है, आपकी ये जो फैशन कैटेगरी है इसमें सब कुछ चलता है। जैसे शर्ट है, कोई ब्लू कलर की है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई एक्स वाई जेड मल्टीपल कलर्स हैं, और हर कलर में पांच साइजेस हैं, जैसे एस, एम, एल, एक्सएल और डबल एक्सएल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट विद वेरिएशन कलर एंड साइज वाइज। अब इसी चीज़ में से आप कोई भी एक चीज़ रिमूव कर दो, या तो कलर रिमूव कर दो या फिर साइज रिमूव कर दो, तो वो हो गया प्रोडक्ट विद वेरिएशन, चाहे वो साइज वाइज हो या फिर कलर वाइज हो। जैसे एग्जांपल पे शर्ट विद जस्ट वन कलर। ठीक है, जो लास्ट कैटेगरी जो बचती है वो है हमारी सिंगल प्रोडक्ट विद नो वेरिएशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, उसका कोई भी वेरिएशन नहीं है। जैसे ये ईयरफोन है, कोई वेरिएशन नहीं, आपको बाय करना है, डायरेक्ट बाय करो और आपका प्रोडक्ट आपके पास, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम लोगों को मीशो पे बेहतरीन तरह से लिस्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लोग कैटेलॉग अपलोड्स में आएंगे। कैटेलॉग अपलोड में सिंगल एड सिंगल कैटेलॉग। ठीक है, सिंगल कैटेलॉग में आ गए हम लोग। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ एक सिंपल बेसिक कैटेगरी जिसमें कोई भी हम लोगों को वेरिएंट और कलर नहीं डालना है, यानी ना साइज है ना कलर है, सिंपल प्रोडक्ट है, सिंगल तरीके से ऐड करना है। जैसे यहाँ मैंने ले लिया केसेस, मैं यहाँ पे आपको मोबाइल कवर्स लिस्ट करना दिखा रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल कवर्स, तो मेरे जो मोबाइल हैं जो मैं आज लिस्ट करने वाला हूँ वो एक ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर है, जैसे ये आई गेस ये तो वाइट है, वाइट नहीं चाहिए हमें, यहीं से देख लेते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर, ये भी कलर्ड है, ये हमारे को मिल गया। ठीक है, तो बेसिक है, मेरे को क्या ढूंढना है यहाँ पे, केसेस एंड कवर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया, मेरे को मेरी जो चूज करी हुई कैटेगरी थी वो मेरे को यहाँ मिल गई। सेम वे आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो चूज करना और यहाँ से प्रोडक्ट को लिस्ट करना चालू करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने केसेस एंड कवर्स, मैंने बना रखा है एक फोल्डर, ये गया।
मेरे केसेस एंड कवर्स एक सैम्पल के तौर से मैंने ये डाला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ का मेन ध्यान रखिएगा, एड एटलीस्ट 3 फोटोज। कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, कोई भी, आपको मिनिमम 3 फोटोज ऐड करनी है। ये एक रिकमेंडेड गाइडलाइन है। आप चलाने को तो एक भी फोटो से चला सकते हो, बट कोशिश करिएगा मिनिमम 3 फोटोज आप उसमें डालो। ठीक है, मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आपके प्रोडक्ट का आपको वेट पता होना चाहिए। वेट जो डालते हैं वो जनरली ग्राम्स में होता है। जैसे यहाँ पे तो ये 100 ग्राम का है। ठीक है, अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया था उसको एक स्टाइल आईडी देनी पड़ेगी या एक कोड देना पड़ेगा, जिससे जब भी आपके पास ऑर्डर आए आपको पता हो कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट निकालना है और इसमें पैक करना है। जैसे ये मैंने यहाँ पे दे दिया रियलमी 8 था शायद से, तो मैंने जान के दे दिया। कोई भी, कैन बी एनी। ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या है? ट्रांसपेरेंट, जो आपका, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रियलमी का 8 का कवर देखा है, तो रियलमी 8 ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर। ठीक है, साइज इसका फ्री होता है। फ्री का मतलब एक ही साइज आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी तरीके का हो आपका, वो ऐड अप हो जाएगा। इन्वेंट्री, जितनी आपके पास इन्वेंट्री हो वो ऐड करना। यहाँ पे तो मैं सैम्पल के तौर से सिर्फ 100 दे रहा हूँ। SKU ID दे दो। ठीक है, कलर क्या है इसका? कलर तो सिंपल है, ट्रांसपेरेंट सर्च करो। जो भी आपके प्रोडक्ट का कवर हो, कलर हो, आप वो ऐड करेंगे। ठीक है, कंपैटिबल क्या मोबाइल है आपका? जो भी आपका कंपैटिबल है आप वो ऐड करो। जैसे मेरे को तो यहाँ पे शायद 8 मिल नहीं रहा, मैंने ये डाल दिया 8। मटेरियल क्या है इसका? मटेरियल इसका है सिलिकन है ये। ठीक है, नेट क्वांटिटी मतलब जब आपके पास एक ऑर्डर आएगा तो उसमें कितने आइटम आप भेजोगे। मोबाइल कवर तो एक ही होता है तो एक ही जाएगा। थीम इसकी कुछ भी नहीं है। थीम में देखो ट्रांसपेरेंट मिल जाए, कोई नहीं, नन है, नो थीम है, देखिए। ठीक है, थीम वाले अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़े समय पहले देखे थे, जब हम ढूंढ रहे थे ना कवर्स जिस पे कोई भी तरीके का आपका होता हो, डिज़ाइन बनी हो, कुछ भी बनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। टाइप ये प्लेन है एकदम। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन ये इंडिया का ही है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैन्युफैक्चर डिटेल, जो भी आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो, हूएवर इज द मैन्युफैक्चरर। ये एक बहुत बड़ा इस समय बात चल रही है कि आपको मैन्युफैक्चरर को ज़रूरी है मेंशन करना। ये आपके लिए ही नहीं, सबके लिए बहुत बढ़िया है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। पैकर कौन है? पैकर आप हैं इसमें, तो आपको अपना नाम डालना है, योर नेम सिंपली। ठीक है, आप मीशो पे कितने का बेचना चाहते हो अपना प्रोडक्ट? जैसे मैंने माना कि मैं 150 का बेचना चाहता हूँ। ठीक है भाई, मीशो एक रॉन्ग प्राइस भी देता है। रॉन्ग प्राइस में क्या होता है कि अगर कस्टमर है वो इस प्राइस पे ख़रीद रहा है, रॉन्ग वाली प्राइस पे ख़रीद रहा है, तो वो कभी रिटर्न ही नहीं कर सकता। और रॉन्ग प्राइस एक बहुत अच्छा फीचर है जो मीशो ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ को भी एक्टिव रखें। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 140 का, मैं दे सकता हूँ लास्ट 140 में परचेज करेगा तो नो रिटर्न है। ठीक है, MRP क्या है इस प्रोडक्ट की? जैसे मैंने डाल दी 499 है। GST क्या लग रहा है आपके प्रोडक्ट पे, आपको वो डालिए। देखिए मोबाइल कवर पे 18 चलता है तो 18 है। HSN कोड बेसिकली वो कोड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। मेरी एक वीडियो भी है जहाँ पे मैंने ये बताया था कि आप किसी भी प्रोडक्ट के HSN को कितनी जल्दी फाइंड कर सकते हो। आई बटन में रेफरेंस दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि HSN आपके प्रोडक्ट पे क्या लगेगा। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट पे HSN आ रहा हो आप वो डालिए। ठीक है, मेरे पे यहाँ पे ये लगता है तो मैंने डाल दिया। ब्रांड ज़रूरी नहीं है डालो, पर मैं कहूँगा कि अगर आपका ब्रांडेड है, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पे काम कर रहे हो, तो आप वो ऐड करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। देखो ये सारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है मैं वो डाल दूँगा, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है आप वो डालेंगे। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ये ना एक प्रोडक्ट को ढूंढने में मदद करती हैं ये डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट इतनी जल्दी लोगों तक नहीं दिखेगा, जो एट द एंड आपकी सेल ही कम करेगा। मैं नहीं चाहता आपकी सेल कम हो, तो कोशिश करना आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से अच्छा डालें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मेन जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आप मानो एक फुटवेयर में काम कर रहे हो, फुटवेयर में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फॉर्मल शूज़, कैजुअल शूज़, स्पोर्ट शूज़, जो भी है। आपको एक अगर कीवर्ड डालना हो, सपोज करो मैं फॉर्मल शू अब यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्मल शू फॉर मेन तो डालूंगा ही डालूंगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर की क्या कैटेगरी है मेरे को वो भी डालना है, जो लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल जूता भी कह सकते हैं, लेस वाला जूता भी कह सकते हैं, वेलक्रो का भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में वो बेसिक कीवर्ड्स डालने हैं। यहाँ आप सबमिट करेंगे, आपका कैटलॉग सबमिट हो जाएगा, वो एक घंटे दो घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली लाइव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस सिंगल प्रोडक्ट विदाउट एनी वेरिएशन लिस्ट करने का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने में हेल्प मिली हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं।